सेकेंड टॉपिक एन फॉर एक्स ट्रेडिंग वट आर दी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग फॉर एक्स मार्केट अब हम देखते हैं ये मार्केट जो है इतनी बेनिफिशियल क्यों है बहुत सारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं लेकिन इस मार्केट के एडवांटेजेस क्या है सबसे पहले ये इस, इसका जो एवरेज डेली ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है दैट इज अराउंड सिक्स पॉइंट सिक्स ट्रिलियन पर डे सेकेंड एडवांटेज यू कैन ट्रेड फॉर एक्स ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स अ डे स्टॉक मार्केट के एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं फॉरक्स मार्केट ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए खुली होती है बीच में कुछ एक ऑफ आर्स होते हैं बहुत कम टाइम के लिए आधा घंटा या एक घंटा डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन थर्ड एडवांटेज इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई है अब लिक्विडिटी हाई होने की वजह से क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स की जो कॉस्ट है जो बाइंग एंड सेलिंग के बीच में जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमल होती है तो जितनी कॉस्ट नीचे होगी उतना ही ट्रेडर के लिए बेनिफिशियल है थर्ड एडवांटेज बहुत बड़ी मार्केट है लिक्विडिटी भी हाई है तो आप बाइंग एंड सेलिंग इंस्टेंटली कर सकते हैं आपने कोई भी पर्टिकुलर करेंसी खरीद ली है आप उसको इंस्टेंटली सेल भी कर सकते हो स्पॉन्टेनियसली आपकी जो है मार्केट ऑर्डर्स बहुत इंस्टेंटली एग्जीक्यूट होते हैं ठीक है तो ये तो थे फॉरेक्स ट्रेडिंग के एडवांटेजेस अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी पेयर्स के ऊपर बात करते हैं कल हमने करेंसी पेयर्स को थोड़ा सा शॉर्ट में समझा था आज मैं उसमें एक डिटेल में बात करने वाला हूँ करेंसीज, सबसे पहले मेजर करेंसीज कौन कौन सी हैं जो कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं लेट्स बिगिन विद द मेजर इकोनॉमीज सबसे पहले यूएस तो उसका यूएस डॉलर हो गया सेकेंड हो गया कैनेडियन डॉलर थर्ड हो गया यूरो फोर्थ हुआ जीबीपी ब्रिटिश पाउंड फिफ्थ हो गया स्विस फ्रैंक देन कम्स पैसिफिक कंट्रीज न्यूजीलैंड डॉलर एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड जापानी आठ मेजर करेंसीज हैं क्योंकि ये लीडिंग इकोनॉमीज की करेंसीज के अंदर हम पेयरिंग को समझते हैं क्योंकि मैंने कल आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि आप करेंसी के पेयर्स में ट्रेड करते हैं एक करेंसी बेचनी है तो उसके एक्सचेंज में दूसरी करेंसी आपको खरीदनी है या एक खरीदनी है तो उसके एक्सचेंज में दूसरी आपको बेचनी है साइमल्टेनियस ट्रेड होता है करंसी पेयर में अगर मैं बात करूं जिस भी करेंसी पेयर के अंदर यूएस डॉलर इन्वॉल्व हो जाता है वो कहलाता है मेजर करंसी पेयर अब मेजर करंसीज अलग है मेजर करंसीज वो आठ कंट्रीज हैं लीडिंग कंट्रीज जिनकी करेंसीज हैं मेजर करंसी पेयर वो है जिसमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व है तो मेजर करेंसी पेयर जो हो गए फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी पाउंड यूएसडी न्यूजीलैंड यूएसडी इस तरीके से यूएसडी जेपीवाई तो ये एक कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए अब जो बाकी करेंसी जो बाकी कंट्रीज हैं जो मेजर कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज की अगर हम पेयरिंग की बात करें फॉर एग्जाम्पल यूरो आपने ट्रेड uh, किया वर्सेस स्विस फ्रैंक तो यूरो सी भी एक करेंसी पेयर हो गया यूरो न्यूजीलैंड भी एक करेंसी पेयर हो गया पाउंड एयूडी भी एक करेंसी पेयर हो गया इन्हें हम कहते हैं माइनर पेयर्स मेजर पेयर्स वो आ गए जिनमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व है माइनर पेयर्स वो हो गए जो आठ लीडिंग कंट्रीज हैं उनके बाकी के आपस में जो पेयर्स बनते हैं वो हो गए मेजर करेंसी पेयर्स देन माइनर करेंसी पेयर्स अब इसके बाद आते हैं एक्जॉटिक करेंसी पेयर्स एग्जॉटिक करेंसीज वो हैं जो लीडिंग uh, इकोनॉमीज की कंट्रीज को बिलोंग नहीं करती हैं फॉर एग्जाम्पल जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या इमर्जिंग कंट्रीज हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिसमें इंडिया भी है और बहुत सारी बाकी कंट्रीज़ हैं आपका एशियन कंट्रीज हो गई मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हो गई इमरजिंग इकोनॉमीज़ फॉर एग्जांपल यूएसडी आईएनआर भी आर भी एक्जॉटिक में हो गया यूएसडी टर्किश लीरा भी भी एक्जॉटिक पेयर में हो गया यूरो लीरा भी एक एक्जॉटिक करेंसी पेयर हो गया ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए तो मेजरली आप अगर मेजर ज्यादातर अगर आप मेजर करेंसी पेयर्स में ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है रीजन बीइंग कि उसमें लिक्विडिटी हाई होती है स्प्रेड्स बहुत कम होते हैं वॉलिटलिटी भी अच्छी होती है और बेनिफिट भी होता है उनको ट्रेड करने में एक्सॉटिक करेंसी पेयर्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है छोटी न्यूज का जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनमें न्यूज बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती बहुत ज्यादा वॉलिटेलिटी नहीं क्रिएट करती जो छोटे एक्जॉटिक करेंसी पेयर्स हैं उनमें इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है सो इट इज एडवाइजेबल आप करने को कोई भी ट्रेड करें बट एडवाइजेबल कि आप मेजर या माइनर करेंसी पेयर्स में ही ट्रेड करें अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं टोटल करेंसी जो अवेलेबल है ऑनलाइन ट्रेडिंग पे वो अराउंड 180 कंट्रीज की करेंसीज हैं, जिनके कि बहुत सारे पेयर्स बनते हैं इतनी करेंसी ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है मोरलेस हम 25 फाइव टू थर्टी पेयर्स के अंदर ही ट्रेड करते हैं और आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है एक सी एफ डी ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और ब्रोकरेज अकाउंट के ऊपर और डिटेल में कवर करूंगा